हेलो दोस्तों, पिछले पाठ में हमने सेट और सबसेट के बारे में पढ़ा था। इस पाठ में हम सर्वसमावेशी कुलक यानी यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम सेट और सबसेट के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या कोई ऐसा सेट हो सकता है जिसमें सब कुछ हो? जब मैं कहता हूं कुछ भी, इसका मतलब है कि वे सारे एलिमेंट्स जो एक तरह के हों या कोई विशेषता उनमें सामान्य हो, ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे कि धरती पर सारी जीवंत चीजों का एक सेट, इसमें इंसान, जानवर, पंछी सब आते हैं, तो हम सभी जीवंत वस्तुओं के सेट को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। इसको हम यूं दर्शाते हैं, यहां पर बड़ा सा समकोण चतुर्भुज यूनिवर्सल सेट है जिसे यू या म्यू से दिखाते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स का एक सेट, इसमें वो सारे अंक हैं जिन्हें हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पूर्णांक, दशमलव वाले अंक, फ्रैक्शन आदि। तो हम वास्तविक संख्या के सेट को, जिसे हम आर से दिखाते हैं, को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। सारे तरह के अंक जो हम इस्तेमाल करते हैं असल में इसी सेट से लिए जाते हैं। चलिए हम वास्तविक संख्या के सेट को दर्शाने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं। यहां देखिए, बड़ा समकोण चतुर्भुज आर यूनिवर्सल सेट है, वास्तविक संख्या का सेट, और इसके अंदर यह नीला हिस्सा परिमेय संख्या को दर्शा रहा है, यानी कि क्यू को। हम कहेंगे कि क्यू एक्स संख्याओं का सेट है, जहां एक्स आर से संबंध रखता है और x बराबर है p बाई क्यू के। यहां पर p और q पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है, तो यह है सेट q परिमेय संख्या का। तो समकोण चतुर्भुज में जितनी भी जगह बची है वह अपरिमेय संख्या को दर्शाती है। इसे हम q डैश से दिखाएंगे, यानी कि q डैश ऐसे x एलिमेंट्स का एक सेट है जिसमें x r सेट से संबंध रखता है, पर x एक परिमेय संख्या नहीं है, वह q से संबंध नहीं रखती है। जैसे कि रूट टू और रूट थ्री अपरिमेय संख्याएं हैं, ये q में नहीं आते, पर ये r के हिस्से हैं। अब पूर्णांक जैसे माइनस दो, माइनस एक, शून्य, एक, दो आदि परिमेय संख्या के सेट का सबसेट है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक का सेट g, हल्का नीला रंग का सेट, परिमेय संख्या Q के सेट का सबसेट है। तो सेट G सेट Q का एक भाग है, यानी कि एक सबसेट है, और परिमेय संख्या का सेट Q यूनिवर्सल सेट R का एक सबसेट है। वहीं आगे पूर्ण समांक यानी होल नंबर्स जैसे कि शून्य, एक, दो, तीन, चार आदि को W से दिखाते हैं। ये भी पूर्णांक के सेट का सबसेट है, क्योंकि नकारात्मक पूर्णांक पूर्ण समांक में नहीं आते हैं, तो वे इसका भाग नहीं है। केवल शून्य और सकारात्मक अंक जैसे कि एक, दो, तीन, चार आदि ही पूर्ण समांक में आते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि पूर्ण समांक पूर्णांक के सेट का सबसेट है, या फिर W संबंध रखता है G से। इसका मतलब हुआ कि W संबंध रखता है G से, और G संबंध रखता है Q से, और Q संबंध रखता है R से, यानी कि W R में संबंध रखता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, कोई भी संख्या का सबसेट असल में यूनिवर्सल सेट R का ही सबसेट होता है। तो यह वास्तविक संख्या का सेट असल में एक अनंत सेट है, क्योंकि इसमें कई एलिमेंट्स हो सकते हैं। इस तरह से तो परिमेय संख्या का सेट भी अनंत होगा, क्योंकि पूर्णांक, दशमलव वाले अंक आदि तो अनंत हैं। पर सारे स्तनधारी जानवरों का सेट एक सीमित सेट है, क्योंकि जीवों की संख्या बहुत बड़ी है पर सीमित है, यह अनंत नहीं है, तो यह तो एक सीमित सेट है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।